चैनल नेहा डिसिलेट से आज मैं आपको पार्ट टू दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज मेरे पास जो है वो रेड और रामा ग्रीन कॉम्बिनेशन, देखिए उसी सेम दामन वर्क का। दामन वर्क में मैंने बहुत सारे कलर्स ऐड करे, आप देख सकते हैं। बट मैं ये दो कलर इसलिए लेके आई हूँ कि अभी थोड़ी ऐसी मतलब टाइम चल रहे ना जहाँ पे आपको रेड गोल्डन ये सब ज़्यादा प्रेफर लोग कर रहे हैं। तो देखिए ये है इस फैब्रिक की डिटेलिंग, आपको मैं इससे थोड़े खोल के दिखाती हूँ इसके दामन वर्क को। तो ये देखिए ये इसका दामन वर्क है, इसके कलर कॉम्बिनेशन डिज़ाइन आप सब देख सकते हैं। सिक्वेंस है ये ऊपर है, मतलब इसमें आप देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन डिज़ाइन है। आप यहाँ से देखिए 7 लाइन डिज़ाइन है, देखिए ये देख रही है आपको डिज़ाइन शायद समझ आ रही हो। तो इसके साथ अगर आप चाहे तो आप इसके मतलब किसी को अगर नेट पसंद है तो पूरी इसी तरीके के नेट की साड़ी, अगर हैवी पसंद है पूरी इस नेट की साड़ी रेड कलर की बना सकते हैं। और जिनको नहीं पसंद आता, वो नेट नहीं प्रेफर करते, वो जैसे मैंने इस बार ये सिल्क लेके आई हूँ दामन के लिए, सॉरी आँचल के लिए, इसके साथ मैंने सिल्क का कॉम्बिनेशन दिया है सेम रेड जो दामन का जो कलर है उसके साथ ये कॉम्बिनेशन पर जा रही है, देखिए। और इसके साथ जो बॉर्डर लगेगी वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है इसके कॉम्बिनेशन की बात, ये देखिए ये सारी ये आपकी पल्लू जाएगी और ये आपका दामन वाला पोर्शन जो है वो नीचे दामन में रहेगा। और इसके साथ जो बॉर्डर है वो ये है, देखिए ये रेड कलर की बॉर्डर है जिसपे सिक्वेंस हल्के हल्के सिक्वेंस का काम है। तो आप प्लेन अपने बॉर्डर पे इस तरीके के सीक्वेंस रेड कलर के बॉर्डर के साथ भी अपने इस आंचल वाले पोर्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको ना थोड़े रख के नीचे डिटेलिंग दिखा दूंगी कि जब हम साड़ी का एक पोर्शन बनाते हैं तो वो कैसे दिखेगी। तो देखिए ये है इस फैब्रिक की बात, और इस पर आपको कोई भी बॉर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इनफ है, इसमें बॉर्डर लगाने की कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आप इसके ना स्कर्ट भी बना सकते हैं, प्लाजो बना सकते हैं और इसके कुर्ती बना सकते हैं। तो इस तरह से ही ये कॉम्बिनेशन है, ये आप देख सकते हैं कि ये रेड वाला है दामन वर्क वाले, और इसके ऊपर की भी डिटेलिंग आप देखिए और ये काफ़ी चौड़ी है, ये आपको 48 विड्थ पे है, इसीलिए इसके नीचे वाला जो एक्स्ट्रा है वो कट ही जाएगी, उसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि इतने चौड़े कोई बॉर्डर यूज़ नहीं करेगा, सब के सब इसको या तो अच्छे से कटिंग कर देंगे या तो फिर हाइड कर देंगे, सिल देंगे। तो ये हो इस फैब्रिक की बात, और इसकी डिटेलिंग मैंने आपको दिखाई थी तो आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके का काम है। तो आप देख सकते हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन है और जो कि इसको बहुत ही अच्छे बना रही है। तो इसका भी आप प्लाजो स्कर्ट सूट जो भी आपको अच्छी लगे आप बना सकते हैं। इसके साथ अगर आँचल मैं बता रही हूँ तो इसके साथ मैं आँचल सिल्क के लेके आई हूँ। तो आप देखिए कि आप इस तरीके के फैब्रिक इसके आँचल में यूज़ करके रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन का, और ये जो बॉर्डर है ये देखिए ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप ये देखिए कि इस बॉर्डर के कॉम्बिनेशन से पूरे रेड की कॉम्बिनेशन आ गई इसके साथ, यहाँ पे रामा ग्रीन और का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे रामा ग्रीन के साथ रेड का कॉम्बिनेशन है। तो ये भी एक डिटेलिंग हो जाएगी। और इनकेस किसी को ये बॉर्डर पसंद ना आए, पता है आप इसके साथ और क्या कर सकते हैं, इस तरीके का सिक्वेंस बॉर्डर आते हैं मार्केट में, ये देखिए, और ये सीक्वेंस बॉर्डर आप इसके दोनों साइड थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे भी लगा देंगे तभी भी आपकी बॉर्डर चौड़ी हो जाएगी और अच्छी लगेगी। जैसे कि लेट सपोज कि आपने यहाँ पे रख दिया और फिर आप इसको इधर भी लगा लिया तो ये भी एक कॉम्बिनेशन हो जाएगी इस तरीके से। तो एक ये कॉम्बिनेशन है, तो इसमें से आपको कुछ भी ख़रीदना है तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने एक लुक नीचे रख के दिखाया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये किस तरीके से है। तो देखिए आप इसकी एक डिटेलिंग यहाँ से देख सकते हैं। तो इसकी भी आप कुर्ती बना के और इसका आपको प्लाजो स्कर्ट वगैरह हो के आप पार्टी वेयर इस तरीके के फैब्रिक आप और बॉर्डर ना आप अपने स्लीव्स वगैरह पे दुपट्टे वगैरह पे यूज़ करके और इसको अच्छा बना सकते हैं। और इसके साथ प्यार ऐप्स पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कुछ रेड कॉम्बिनेशन लेके आ रहा हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।